तो जी नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार होने जा रहा है भाई। आज 15 अगस्त का दिन है तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई, पूरे प्रदेश को। और भाई अभी समय हो चुका है 11 का और भाई मैं एक बार जा रहा हूँ हर्ष की कटिंग कराने, और कटिंग करा के लाता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं भाई। तो ये देखो भाई हर्ष अपनी कटिंग वटिंग करा के आ चुका है, मस्त हो गई भाई कटिंग। और ये देखो भाई आते ही इसने अपने तिरंगे को अपने सीने से लगा लिया। हाँ भाई कैसा महसूस कर रहा है? पावरफुल महसूस कर रहा है। और मैं आते आते दो तिरंगे और देख रहा है। ये आते आते भाई दो पतंग और लिया है तिरंगे की। तो मेरे पास सुबह सुबह इतना मजा आ गया, छत पे आया हुआ था, पतंग भी आ गई है। तो चलो जी अभी मैं भी नहा धो लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे छत पर। अभी नहीं मिलेंगे, दिमाग खराब है अभी तो। साढ़े 11 हुआ है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अरे राम, आज मेरे पैरों में इतना दर्द है। मैंने एक्सरसाइज कर ली रात को और सुबह, और उसकी वजह से मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तो भाई आज है इंडिपेंडेंस डे, सबको दे इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई। वैसे मैंने सुबह दे दी थी, लेकिन एक बार फिर से दे रही हूँ, जितनी बार ज़्यादा दे उतना ही अच्छा है। तो भाई सब के ऊपर, पूरे देश के ऊपर आज जो है अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है हमारे देश का, उसका रंग चढ़ा हुआ है। देश का बच्चा बच्चा, देश का हर वर्कर, हर काम करने वाला, चाहे वो गरीब तबके से है चाहे वो अमीर तबके से है, तो सबके ऊपर जो है आज़ादी का रंग चढ़ा हुआ है। सब इस जश्न में डूबे हुए हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं चाहे बूढ़े हैं, सब इस जश्न में डूबे हुए हैं। देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, मोदी जी ने जो पहल की है इसी इसकी वजह से, ये इसी का नतीजा है। तो वही सबको जय हिंद जय भारत। और मेरे घर वाले मुझ पर बहुत देर से प्रेशर बनाए हुए, रोटी बना ले, और मैं वीडियो बनाने में बिजी थी, तब मुझे रोटी बनानी ही पड़ेंगी क्योंकि टाइम हो चुका है, एक भूख का टाइम हो गया। मैं बना रही हूँ रोटी, देखते हैं। अरे बाप रे, उठना बैठना मुश्किल हो गया, 12 बजे से पीछे पड़े हुए मेरे। रोटी बना ले, देखो ये देख सकते हैं आप सब। तो जी फाइनली खाने का टाइम हो चुका है, पिंगी ने रोटी बना दी है, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। भाई लाल मिर्च की चटनी और रोटी देखो भाई, कति आज लव आ रहा वाली मोटी मोटी रोटी, जमने प्याज हो गए शीत हो गए, दूसरी भी आई बनाई थी का। ये देखो भाई मेरे रोट, मजा आ जाएगा खा के। तो लो जी भाई हमने भी अपनी छत पर तिरंगा फहरा दिया है। हाँ बेटे नहीं, अभी तो धूप है। और ये मौसम का नज़ारा देखो, सबकी छतों पे लगे हुए हैं भाई, ये इधर भी लगे हैं, ये देखो भाई बादल यहाँ पर काले हो रखे हैं, ये आसमान बिल्कुल ब्लैक। तब भाई इसके नीचे है ना हमारी, के नाम है एक बिल्ली ने अपने बच्चे छुपा रखे हैं 4-5। तो बिल्ली अभी तो फिलहाल गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। और हर्ष ने शुरू कर दी है अपनी पतंगबाजी। हाँ भाई हर्ष पतंग उठा रहा है, चल बेटा अभी धूप है, थोड़ी देर बाद आएंगे, ठीक है ना भाई। बस बारिश ना हो और तो सब मस्त हो रखा है, वरना बच्चे का नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो चलो जी चलते हैं नीचे। भाई मैं ऊपर 5 मिनट के लिए चला गया था तिरंगा लगाने, और आते ही देखो ये तोतली का मुंह, ये अपने इन्हें नींद आ गई है, इसकी तबीयत थोड़ी डाउन होगी, रोटी बनाते बनाते बल्कि खाते खाते बनाते बनाते होगी थी, खाई भी कम है इसने। तो अभी क्या नाम है, दवाई दी है इसको, क्यों सुबह से भूखी थी, तो शुगर वाले को भाई टाइम से ही खाना होता है। तो भाई ये हर्ष वेट कर रहा है अपना, हाँ अभी 2 बज चुके हैं भाई, हम लोग चल रहे हैं। वो अच्छा वे चिल्ला में के ऊपर देखो भाई लड्डू बैठा है,
पतंग की बाट में वो देगा तो कितना ही ना अड़े बिठा दे लड्डू ने पड़ जा पड़। मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है। एक मान जायो के रखा अर्श ने। मौसम देख सकते हैं कितने काले बादल हो रहे हैं। पतंगे पतंग दिखे हैं आसमान में देखो। अर्श की पतंग बाज आ रही तिरंगे वाली। क्यों कर लाल हो रहा है मुंह पसीना पसीना छोरेगा। सब पतंग उड़ा रहे हैं अपनी छतों पर खड़े होके। मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा है कभी बादल हो रहे हैं। उधर से साफ है इतना नहीं है। हर्ष देखियो देखो इसका मुंह देखो कितना लाल हो रहा है। मैं आया हूँ थोड़ा छत पे लेट। मैं गया था बच्चों के लिए नाश्ता पानी लेने और ये फर्स्ट क्लास एग रोल लाए हैं और यहाँ पर भाई इनको काफी देर हो चुकी थी ये चटनी। और ये देखो राम जी कितना मजेदार मौसम हो रखा है। अरे वाह तो अब हम इंजॉय करेंगे अपनी छत पर। ये देखो भाई देखो भाई आसमान में आज पतंग ही पतंग दिखाई पड़ रही है चारों तरफ। और आसमान देखो भाई लोग फिर भी है ना पागल हुए जा रहे हैं। अरे मैं तो नहीं कहूँ राम जी तू बरस जाएगा भाई टेक जाओ हमारे खिलाड़ी। ये देखो भाई नज़ारा। गाइस ये देखो कितने तगड़े बादल हो रहे हैं ऊपर। और ये देखो बारिश में भी लोग पतंग उड़ा रहे हैं शर्म नहीं है इनको। और भाई बादल तो है ना वो गजब के हो रखे हैं वहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे बादल हो रखे हैं। तो भाई राम जी ने मेरी सुन ली है कहते मेरा नाज क्यों कर बरसना शुरू कर दिया। ये देखो भाई बारिश आ गई फर्स्ट क्लास। तो सबकी जितने की पतंग ऊपर थी सबकी हो चुकी है खराब और हम भी अपने नीचे नीचे भाग गए। बड़ी मुश्किल था तो चढ़ के हम गए थे। तो भाई बारिश आ गई मजेदार। देखो भाई पतंगबाज की हालत 7 बजे ये बेचारा वेदर में देख रहा है बारिश कितनी देर आएगी। 3 बजे चढ़ा था हद है भाई बंदे की रहे फिर भी ये काम। अरे यार 1.5 घंटा रह रखा भी 1.5 घंटा वेस्ट कर दूंगा 15 अगस्त। हालत देखो भाई हालत देखो इसकी। हाँ जी हम बजाने थे सही बात है। हम कदे कदे तो हम जाया करें है ना राज। हाँ क्यों नाश्ता पानी हमारा हो ही गया था। चलो कोई नहीं भाई नेक्स्ट ट्राई करेंगे फिर कभी। ये देखो भाई हमारा लड्डू राजा मौज मस्ती कर रहा है। गर्मी में इसने माला वाला पहन रखी थी मैंने इसकी माला निकाल दी और यहाँ रख देता हूँ। हाँ भाई लड्डू राजा फुला आनंद लिए जा रहे हैं। तो भाई लड्डू की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो जी व्लॉग में बने रहिएगा। अभी हर्ष भी ऊपर से आने वाला है क्योंकि बाहर हो चुका है अंधेरा समय हो चुका है 7:45 का। तो जी आज बनने जा रहे हैं हमारे अंडा करी। तो उसके लिए जानू कर रहा है प्रिपरेशन अंडे छील रहा है वो। यहाँ पर पिंकी ने पहले ही तैयारी कर दी थी भाई छोक वो काट के और अब बनाएगी अंडा बिरयानी। अंडा बिरयानी चल फिर शुरू हो जा। ये हमारा सेटअप आ चुका है एक कुकर भी आ गया है। तो करते हैं भाई शुरू। तो भाई तेल चढ़ा दिया है अभी तेल गर्म होएगा फिर इसमें डाल रहे हैं मसाले। अंडे को फ्राई कर रही है पहले टेस्टिंग की है मोटी ने एक अंडा डाल के कभी भाई खराब वराब ना हो जाए इसलिए पहले इसको चेक किया जा रहा है। चलो जी धीरे धीरे कर और अंडे भी डाल दिए मोटी ने वो भी डाल दे। ये देखो भाई इनमें कितना अच्छा कलर आ चुका है। ये देखो भाई एक निकाल लिया है क्रिस्पी लग रहा है क्रिस्पी मोमोज। वाह भाई वाह
मुझे तो देख के लगता है आज अंडा बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तुम्हें क्या लगता है? हाँ भाई, तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है? बहुत टेस्टी बनेगी। बहुत टेस्टी। हाँ बहुत। आज पतंग उड़ाने में मजा आया। लूटने में हमारी छत पे इतनी पतंग आई, इतने मजे आए। वेरी नाइस। भाई आज के नाम है इसके अरकनी पतंग बचनी। ये एक बंदा गया था 3 बजे ना। हद कर दी भाई। साथे 5 बजे पतंग उड़ाई थी वो। 8 बजे उतरा नीचे। 5 घंटे पतंग उड़ाई है मैंने। लो जी अंडे हो चुके हैं रेडी। अब करेगी मोटी छोक की तैयारी। तेज पत्ता, लाल मिर्च, दालचीनी और ये थोड़ी सी काली मिर्च और साथ साथ डालेंगे जीरा। मम्मी मीट मसाले और जीरा। और जीरा डालते ही, क्योंकि तेल हमारा पहले से गर्म है तो इसमें जाएगा लहसुन। और लहसुन डालते ही, क्योंकि एक एक मिनट में हर चीज़ हो जा रही है, मैंने गैस के फ्लेम को लो कर लिया है बिल्कुल, क्योंकि तेल हमारा बहुत गर्म था। अंडे हमने इसी में फ्राई किए थे और इसी में फिर हमने सारे मसाले तल लिए। अब इसी के अंदर जाने देंगे हम सारे प्याज जो हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काटे हुए हैं। अब इनको अच्छी से फ्राई करेंगे और गैस के फ्लेम को कर लेंगे फुल। तो देखिए देखिए वो हमारे प्याज जो है अच्छे से हो चुके हैं ब्राउन। ये देखो ब्राउन हो चुके हैं हमारे प्याज। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो लंबी कटी हुई हरी मिर्च है, ये इसके साथ ही इसमें टमाटर और कुछ बारीक हरी मिर्च काट रखे हैं ये। अब इसके अंदर जाएगी हल्दी, थोड़ी देगी लाल मिर्च और नमक। थोड़ा सा मीट मसाला, कोई भी बिरयानी मसाला, अब इसको अच्छे से करते हैं मसाले को। ये देखो हमारा मसाला जो अच्छे से पक चुका है। अब इसको जो फ्लेम को हम लो कर लेंगे और उसमें डालेंगे दही। सारी डाल इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि जो है ये फटे नहीं। तो भाई मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है, मसाले पक चुके हैं भाई फर्स्ट क्लास। तो भाई अब इसमें चावल जा रहे हैं। चावल हमारे पास जो थे घर वाले वही यूज कर लिए हमने। जितना ही नमक डाला था अब इसमें डालती हूँ एक्स्ट्रा नमक अपना स्वाद अनुसार। तो जी पानी भी डाल दिया, थोड़ा सा पानी और डलेगा और फिर हम अपने पके हुए अंडों को इसमें छोड़ देंगे। अंडे भी छोड़ दिए हमने और इसको अभी बंद कर देते हैं। हाँ जी, कैसी कैसी बनाई है आप दिखाओ। अभी तो आप इसको बंद करो। तो जी अब सीटी के लिए हमने इसको बंद कर दिया है। तो एक सीटी लगेगी इसमें, आधी सीटी होने देते हैं, तब तक हम वेट करते हैं भाई। भाई हमने तो एग बिरयानी बनाई थी और लड्डू के लिए बना रखी हमने स्पेशल सेवैया। तो भाई लड्डू अपना एक खा रहा है और अब हम भी देखते हैं अपना अगर हमारे
सीटी निकल गई हो तो कुकर की, हम भी चेक करते हैं। खा ले बेटे। तो ये देखो जी, अंडे ऊपर रह चुके हैं क्योंकि भाई पानी था ना, इसलिए अब इसको सर्व करते हैं। साफ है। और ये देखो जी हमारी हरी मिर्च, तो अभी सर्व करते हैं फिर आपको दिखाते हैं जी। भाई हमने अपना खाना सर्व कर लिया है। ये हमारे प्याज हो गए, ये देखो भाई आप, और ये सब की थाली लगा दी गई है, ये देखिए जी। हाँ भाई, तूने खा के देखा कैसी बनी है? अभी नहीं देखा है, देख लिया? हाँ जी। तो चलो जी करते हैं हरी हरी। देखो भाई बड़ी प्यारी लग रही है। तो जी खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं और भाई 10 बज गए हैं। आज के व्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी था। तो भाई व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको।